आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना था और उसके 10 लाख साल बाद जुपिटर बना था। हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अगर जुपिटर का साइज थोड़ा और बड़ा होता तो वो हमारे सूरज की तरह एक स्टार बनता, लेकिन साइज के कम होने की वजह से वो एक गैस जॉइंट बन गया और इस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। आज से कुछ हफ्ते पहले नासा के कैमरों ने जुपिटर से किसी चीज को टकराते हुए देखा, जिसकी रोशनी को आप वीडियो में दे सकते हैं। आखिर ये चीज थी क्या? इसके अलावा साइंसदानों ने ऐसे बादलों को डिस्कवर किया जो कभी गायब हो जाते और कभी दोबारा से अपनी जगह पर आ जाते। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है और ये गायब कैसे हो जाते हैं? इसके अलावा साइंसदानों ने पहली बार किसी मैग्नेटर को बनते हुए देखा, लेकिन कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है, ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 जमीनें आसानी से आ जाएंगी। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्पॉट नजर आएगा जिसे रेड जायंट स्पॉट कहते हैं। असल में ये जुपिटर का एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका साइज हमारी जमीन से बड़ा है और ये 350 सालों से मसलसल चल रहा है। इसके अलावा जुपिटर पर कई व्हाइट स्पॉट भी हैं, ये भी जुपिटर पर आने वाले तूफानों के निशान हैं, लेकिन इनका साइज रेड जायंट स्पॉट से कम है। इसके गिर्द चार मून्स ऑर्बिट करते हैं जो इस सियारे को खास बनाते हैं। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सोलर सिस्टम को देख रहे हैं। साइंसदान इसे मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ये सियारा हर वक्त साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। इसको स्टडी करने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा गया। इसके अलावा हब्बल टेलीस्कोप और जमीन पर लगे कई कैमरों से इस पर नजर रखी जाती है। इसकी बहुत सारी चीजें जो हम स्पेसक्राफ्ट से नहीं देख पाते वो हब्बल टेलीस्कोप और जमीन पर लगे कैमरों से देखी जाती है। ऐसी ही एक चीज को कुछ हफ्ते पहले जमीन पर लगे कैमरों ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज जुपिटर से टकराती है, जिसकी रोशनी को वीडियो में देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड था जो जुपिटर से टकराया था। इससे पहले भी एक एस्ट्रॉइड शूमेकर 1994 में जुपिटर से टकराया था। तब से लेकर आज तक साइंसदानों ने 7 बार एस्ट्रॉइड्स को जुपिटर से टकराते हुए देखा है। ये बात आप जान लें कि इन एस्ट्रॉइड्स के टकराने की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि साइज में बड़ा होने की वजह से इसके पास बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर सिस्टम में दाखिल होने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे बहुत सारे एस्ट्रॉइड इससे टकराते हैं, लेकिन हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 60 एस्ट्रॉइड इससे टकराते हैं, लेकिन हम इन सबको टकराते हुए नहीं देख पाते और जिन्हें हम साफ देख सकते हैं वो हमें चमक की सूरत में दिखाई देते हैं। ये चमक तब पैदा होती है जब जुपिटर से टकराने वाला एस्ट्रॉइड इसके एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है, लेकिन चमक को भी जुपिटर के घूमने वाले बादलों में देखना बहुत मुश्किल है। 1994 से लेकर 2016 तक साइंसदानों ने सिर्फ 2 एस्ट्रॉइड्स को ही टकराते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद एस्ट्रॉइड के टकराने की तादाद बढ़ गई है। आप ये बात जान लें कि साइंसदानों ने 2016 से लेकर 2021 तक 5 एस्ट्रॉइड को टकराते हुए देख लिया है। जुपिटर पर होने वाले ये इम्पैक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड की तरह हमारी हिफाजत करता है। जब भी कोई एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आता है तो जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो एस्ट्रॉइड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ पाता। अगर जुपिटर ना होता तो हमारी जमीन कब की खत्म हो चुकी होती। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंज रेडियो सर्कल की। हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए। कुछ माह पहले साइंसदानों ने एक अजीब रेडियो सर्कल को डिटेक्ट किया था जो हमारे लिए एक मिस्ट्री है। साइंसदान का कहना है कि उन्होंने रेडियो सर्कल में एक बहुत बड़े बादल को ढूंढ लिया है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इन रेडियो सर्कल को ऑस्ट्रेलिया में लगे कई टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 रेडियो सर्कल को डिटेक्ट किया था। इनकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी दोबारा नजर आने लगते हैं। साइंसदान को नहीं पता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उनका कहना है या तो ये किसी स्टार में होने वाले धमाके से आने वाले बादल हैं जो कभी गायब हो जाते हैं और कभी नजर आने लगते हैं, या फिर ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में जब स्टार से रोशनी निकलती है तो वे एक लेंस बना लेती है, और जब इस लेंस में से कोई स्टार गुजरता है तो ये उसके गिर्द एक सर्कल बना लेता है, जिससे ये लेंस उस चीज को बड़ा करके दिखाता है और कुछ देर बाद ये लेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हो सकता है कि ये रेडियो सर्कल इसी लेंस से आ रहे हों, लेकिन असल में ये है क्या हमें नहीं पता।
इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटर की कि आखिर एक मैग्नेटर कैसे बनता है। स्पेस हिस्ट्री में साइंसदान पहली बार किसी मैग्नेटर को देख रहे थे। 2020 में साइंसदानों ने उस मैग्नेटर को पहली बार देखा जिसकी फॉर्मेशन हो रही थी। ये भी न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब दो स्टार्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे किलोनोवा कहते हैं। पिछले साल मई में ऐसे ही एक्सप्लोजन की रोशनी हमारी जमीन पर पहुंची थी। साइंसदानों ने इस रोशनी की स्टडी की और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसी किलोनोवा से एक मैग्नेटर बनता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे ये मैग्नेटर बनता है। और जो रोशनी हमारी जमीन तक पहुंची उसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और साइंसदानों ने इसकी स्टडी की ताकि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़े राजों में से एक राज को दुनिया के सामने ला सके। ये रोशनी किसी बहुत बड़े धमाके से आई थी। ये धमाके आमतौर पर कुछ सेकंड्स के होते हैं। इसने साइंसदानों को उस वक्त तक उलझाए रखा। साइंसदान तब तक मुसलसल इसकी स्टडी करते रहे जब तक इस तेज रोशनी वाले धमाकों की वजह को नहीं ढूंढा जा सका। अप्रैल 2020 में साइंसदानों ने पहली बार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इन रेडियो वेव्स के सोर्स का पता लगाया था। इन रेडियो वेव्स का पता लगाने के लिए साइंसदानों ने जिस इलेक्ट्रिकल चीज को ढूंढा है वो साइंसदानों को हमारी जमीन से 30,000 लाइट ईयर दूर एक मैग्नेटर तक ले गई। इस रिसर्च से पहले ही कुछ साइंसदानों का मानना था ये मैग्नेटर 30 रेडियो वेव्स के धमाके की वजह से बनते हैं और ये रोशनी एक स्टार STR 1935+2154 से आ रही थी। साइंसदानों ने दावा किया कि ये स्टार पास में होने वाले किसी रेडियो धमाके का हिस्सा है। बेशक हमें ये पता चल गया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही थी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने तेज रेडियो वेव्स की तमाम उलझनों को समझ लिया है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये रेडियो धमाके सिर्फ एक बार ही होते हैं, लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार होते हैं। इस पैटर्न के बारे में अभी साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि मैग्नेटर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस तरह के तेज रेडियो वेव्स पैदा करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, क्या दो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के मर्ज होने से तेज रेडियो वेव्स पैदा होती हैं या फिर एक बहुत बड़े ब्लैक होल से पैदा होती हैं? इन सब सवालों का जवाब हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इन रेडियो वेव्स के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।